टीकमगढ़ विकासखंड के अंतोरा ग्राम पंचायत में गौ संरक्षण एवं संवर्धन करने के लिए मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं टीकमगढ़ सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने मनरेगा के तहत बनी अमर शहीद नारायण दास खरे गौशाला का लोकार्पण किया। लोकार्पण कार्यक्रम की मुख्य अतिथि उमा भारती और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे टीकमगढ़ सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के अलावा इस दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष अमित नूना, टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उमा भारती ने कहा कि ये गौशाला गौ सेवा एवं गौ संरक्षण तथा संवर्धन का केंद्र बने। उन्होंने कहा कि गौशाला किसी के लिए बोझ नहीं बने, इसके लिए जिले में जहां जहां गौशालाएं बनी हैं वहां गायों की बेहतर देखभाल हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण जन स्वयं भी गायों की देखभाल करें। उमा भारती ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग जंगल को बचाने के लिए पेड़ लगाएं एवं उनका संरक्षण करें। वहीं टीकमगढ़ सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि शासन द्वारा गायों के संरक्षण के लिए प्रदेश में गौशालाओं का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे बेसहारा एवं बीमार गायों की गौशालाओं में सेवा करके उन्हें स्वस्थ बनाया जाएगा। शांति रहेगी, समय का उपयोग होगा, जीवन में उदासी नहीं आएगी। पहले उदासी की बीमारी शहरों में थी, अब ये गांव में भी आने लगी है। मैं इसलिए आपको कह रही हूँ, आप जितना प्रकृति और पर्यावरण के साथ अपना संपर्क बनाएंगे, आपकी उदासी और आपका अवसाद उतने दूर होगा। ये बहुत सुंदर खिली हुई सी गौशाला है। भारत की सबसे बड़ी जो शक्ति रही है वो गौ और गंगा रही, गौ गंगा और गायत्री। तो इसलिए जो ये प्रयास है हमारी सरकार का, जिसमें कि पूरे प्रदेश में लाखों की संख्या में गौशालाओं का निर्माण हो रहा है, आज इसका उद्घाटन हुआ है। बहुत सुंदर ढंग से बनी है और ये बेरोजगारी का निदान इसमें साथ में है, जिसका कि हम एक मशीन को भी देखने भी जा रहे हैं और यहाँ एक सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बनाए। इसी तरीके से जो हम स्वसंचालित गौशाला बनाने का जो मॉडल है वो ये वाली गौशाला है। ग्राम अंतोरा में जो गौशाला का उद्घाटन प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री दीदी के माध्यम से हुआ है, उसकी लागत 27 लाख है और इस गौशाला में जैसे कि आपने देखा कि वहाँ पे गाय है अभी और वहाँ का समूह गाय का संचालन करता है। सीता स्वयं सहायता समूह वहाँ है, यहाँ चारे का भी व्यवस्था की गई है, आप देखेंगे चारा भी लगा हुआ है यहाँ पे। दूसरा, समूह को एक मशीन भी दिलाई गई है जिससे गोबर से वो लकड़ी बनाएंगे और इस लकड़ी का उपयोग शमशान घाट में कराएंगे हम लोग, क्योंकि हमारे जिले में लगभग 100 गौशालाएं दिसंबर के अंत तक कंप्लीट हो जाएंगी और यह एक बड़े स्तर पे गोबर उपलब्ध होगा और गोमूत्र, तो इसके उचित व्यवस्था और उचित मार्केट की हम लोग कर रहे हैं काम। इसके साथ ही जितनी भी गौशालाओं समूह कर रहे हैं, आज यहाँ भी हमने अंतोरा में सीता स्वयं सहायता समूह को 5 लाख का CCL लोन दिलाया है, जिसमें उनको 20 गाय उनको मिलेंगे, तो वो दो दो गाय अपनी हमारी गौशाला में रखेंगे, बाकी 75% जो है वो हमारी जो बाहर घूम रही गाय वो रहेंगी इस गौशाला में। इसमें चरागाह का भी देखा है, चरागाह के लिए 5 एकड़ की जमीन, 5 हेक्टेयर जल्दी से जल्दी इसको दी जाएगी, जिससे जो गायें हैं उनको पर्याप्त भूसे और चारे की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा सके। टोटल हम 120 गौशाला बना रहे हैं टीकमगढ़ जिले में, तो कई 30 तो करीब बन गई हैं, बाकी निर्माणाधीन है और 2-3 महीने के अंदर पूरी हमारी तैयार हो जाएगी।